हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किए थे। उस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप द्वारा डिस्कस कर सकते हैं। So let's cover today's session in which we will cover about the non-verbal communication. Verbal communication we have already discussed. Today we are going to start non-verbal communication. So first of all, I will explain what is the meaning of non-verbal communication. Okay, non-verbal communication is the information that is communicated without the words. बिना वर्ड्स के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है, कन्वे की जा रही है, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे अंडर इज नॉट सेंडिंग एनी रिटन इंफॉर्मेशन, इज नॉट सेंडिंग एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है, बट ही इज एक्सप्रेसिंग देयर फेशियल एक्सप्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही इज ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड विदाउट द वर्ड्स। इट इंक्लूड्स बिहेवियर सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, आईज, टच, टोन ऑफ वॉइस, एज वेल एज लेस ऑब्वियस वर्ड्स मैसेजेस सच एज ड्रेस, पोस्चर, स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है। अगर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनी टाइम मैनेजर्स कम्युनिकेट नॉन वर्बली विद देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बॉडी के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को। जैसे कि हैंडशेक कर रहा है या फिर हेड मूवमेंट हो रहा है, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां कोई भी रिटन या स्पोकन वर्ड नहीं है, केवल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू आप कुछ कन्वे कर रहे हो, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ के साथ ताकि आप उसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। Non-verbal communication is the information that is communicated without the words. It include apparent behaviors such as facial expression, eye movement, touch, टोन ऑफ वॉइस, एज वेल एज लेस ऑब्वियस मैसेज सच एज ड्रेस, पोस्चर, Distance between two or more people, ठीक है। So non-verbal communication is learned after the birth and practice and refined through the person lifetime. Second one is the role of different parts of body language in communication.
द रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट वन इज हेयर फेशियल एक्सप्रेशन. फर्स्ट पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, तो मैनी टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ देयर फेशियल एक्सप्रेशंस. तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. इफ यू आर एंगर देन योर फेशियल एक्सप्रेशन शोज यू आर इन एंगर. इफ यू आर हैप्पी देन योर फेशियल एक्सप्रेशन शोज टू अदर पर्सन यू आर फीलिंग हैप्पी एंड एंजॉय. तो हमारे जो भी फीलिंग्स होती हैं, हमारे माइंड में जो भी चल रहा है, वो हमारे फेस के थ्रू एक्सप्रेस होता है इन द फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन एंड इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है. ठीक है, तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिस्कस कर रहे हैं. सेकेंड वन इज आई कॉन्टैक्ट. द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ आई इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम रेफर टू एज आई कॉन्टैक्ट कैन इंडिकेट इंटरेस्ट अटेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, व्हेन समवन इज स्पीकिंग इन समवन इज सेइंग समथिंग इफ यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट इट मीन्स यू आर कन्वेइंग यू आर इन अटेंशन ऑफ द अदर पर्सन मैसेज. ओके, तो जो आई कॉन्टैक्ट है वो ये शो करता है कि आप कितना अटेंशन दे रहे हो दूसरी पार्टी को, या फिर कितनी अटेंशन के साथ आप उस मैसेज को सुन रहे हो. ओके, सो आई कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल वाइल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. क्योंकि आई कॉन्टैक्ट के थ्रू जो स्पीकर है वो मोटिवेट होता है कि हाँ, जो अदर पार्टी है उसको अटेंशन दे रही है, सुन रही है. एज वेल एज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ आई इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समटाइम रेफर्ड टू एज ऑक्युलेसिस. ठीक है, आई कॉन्टैक्ट कैन इंडिकेट इंटरेस्ट अटेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट. After that, third one is gesture. A gesture is a non-verbal body movement intended to express meaning. Body movement को करके information को convey करना. जैसे suppose subordinates अपने manager के साथ कुछ communication कर रहे हैं, ठीक है, manager उनको body movement के through yes या no में reply दे रहा है. ठीक है, तो उसको हम जेस्चर कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ बॉडी मूवमेंट आपको इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है. एंड दे मे बी आर्टिकुलेटेड विद द हैंड्स आर्म और बॉडी एंड ऑल्सो इंक्लूड मूवमेंट ऑफ द हेड फेस आई सच एज विंकिंग नोडिंग और रोलिंग वंस आईज. ठीक है, जैसे कोई अगर हम एकदम कोई एक्सप्रेस होते हैं या फिर सरप्राइज होते हैं तो हमारी आईज के मूवमेंट एकदम से हमें बताते हैं कि हाँ, हम एकदम सरप्राइज हैं या फिर शॉकिंग हैं. तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चर में इंक्लूड करते हैं. उसके बाद फोर्थ नंबर पे है पोस्चर. इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन अ पार्टिसिपेंट डिग्री ऑफ अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, पोस्चर आपका ये बताता है कि आप कितना कितनी डिग्री ऑफ अटेंशन में हैं या इन्वॉल्वमेंट में हैं. द डिफरेंस इन द स्टेटस आई मैन कम्युनिकेटर एंड द लेवल ऑफ द फॉन्डनेस द पर्सन हैज फॉर द कम्युनिकेटर. ओके, आप कितना इन्वॉल्व हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ये आपकी बॉडी का पोस्चर बताता है. तो ये थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स, जिसको हम रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में भी डिस्कस कर रहे हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच सेंडर सेंड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन आई कॉन्टैक्ट जेस्चर और पोस्चर.
अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? फर्स्ट वन है इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पहला एडवांटेज है। सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। जिस तरीके से आप स्पीक कर रहे हो और वही मोमेंट आपकी बॉडी का है तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में और ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जैसे कि सपोज आप कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी कर रहे हो, साथ के साथ आपकी बॉडी भी उसी तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, जैसे जस्ट कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सपोज कुछ सरप्राइजिंग है, तो उसी हिसाब से आपके बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, थर्ड वन है इट इज नेचुरल आउटकम, इट इज अ नेचुरल आउटकम। फिल द गैप क्रिएटेड, ठीक है, अगर कोई गैप बना हुआ है कम्युनिकेशन में तो उसको ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिल कर देता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही था जिसमें हमने डिस्कस किया नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस और इसके कुछ एडवांटेजेस। इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूँगा पैरा लैंग्वेज को। ओके, थैंक यू वेरी मच।